साथ है, दोनों हम लोग मिले हैं और भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा की। भाजपा से अलग होने के बाद लगातार विपक्षी एकजुटता को मजबूत बनाने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच विपक्षी एकजुटता को लेकर चर्चा हुई। कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज़ के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगी कुछ। विचार एक तरह का ही है, विचार में कोई इसमें नहीं था, लेकिन अब किसी चीज के बारे में कुछ हम लोग अभी कहेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन, तो उसके लिए थोड़ा दिन के बाद ये सब होगा। आगे और मीटिंग सभी इस सिलसिले में आप लोग नहीं नहीं, नहीं वो तो आगे करेंगे। अभी तो इनका अपना अगर संगठन का इनका चुनाव है, इसके बाद ही करेंगे। क्योंकि इंटर मिलते हैं, दोनों ही पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं है, वही पूछ रहा हूं सर कि सबको एक साथ लाने के लिए क्षेत्रीय दलों को कैसे साथ लाने। नहीं देखिए, हमारी या हम लोगों की जिन पार्टियों से बातचीत होती है उनको तो हम लोग परामर्श देते ही हैं कि सब लोग मिल करके चलिएगा, लेकिन वो तो अभी थोड़ा समय के बाद की बात है, अभी तो हम लोग सबको सलाह दे रहे हैं। सर अमित शाह कह रहे हैं आप, ये संदर्भ हो रहा है मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आगे भी 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह ने पूर्णिया में पूर्णिया एयरपोर्ट बना, वहाँ पे उन्होंने ये भाषण दिया। एक वो बात कह दें पूर्णिया का, अब आप सुन लीजिएगा, यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं, जब हम लोग पूर्णिया में मीटिंग करेंगे उस दिन बता देंगे बहुत सारा चीज। कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, कोई मतलब है उनकी बात। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद नीतीश और लालू ने इस बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा को हराना और देश को बचाना है, इसके लिए हम सभी को साथ आना होगा। किया है इसका रेस्पॉन्स पूरे देश में है और हम एक है हम लोग, और सोनिया जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। 64-65 जो चुनाव होने वाला है 24 में मैडम ने कहा है कि हमारा संगठन का अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, 10-12 दिन के बाद हम आप लोगों से फिर मिलेंगे और नया जो प्रेसिडेंट आएंगे जो भी हो तो उनको सबको बैठा करके हम लोग इकट्ठा बात करेंगे। और सहमति है, भाजपा के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार रही है और देश तानाशाही के तरफ जा रहा है, कहीं भी समस्या का समाधान नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे सारे देश भर के विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया, गिरवाया, इससे कोई डरने वाला नहीं है। और हम लोग यही बात किया है और हम लोग फिर उनसे मिलेंगे। बिहार के दोनों नेताओं की सोनिया गांधी से मुलाकात उनके आवास पर हुई। इस मुलाकात के बाद नीतीश और लालू दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। हालांकि सोनिया गांधी से हुई इस मुलाकात को दोनों ने ही शिष्टाचार मुलाकात बताया। पंजाब केसरी टीवी के लिए दिल्ली से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।